अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई? जी, हम दोबारा निकल पड़े हैं आज घर से, फिर आपको एक देहाती अंदाज दिखाते हैं कि शाम में गांव की ज़िंदगी किस अंदाज की होती है, ये आपको दिखाते हैं। ये कब्रिस्तान है, बड़ा मशहूर मारूफ शुमाली ईदगाह। ये कदीमी कब्रिस्तान है यहाँ का, क़याम पाकिस्तान से पहले का। भलावी चौक के नाम से ये जगह मशहूर है जी। आज हम आपको अंदरों कोटतों की सैर कराते हुए, ये जगह जी, इस जगह का नाम है जी अनवार चौक। गूगल का ये जी आफ्ताब भाई अपने किसी दोस्त के पास रुके हुए थे, किसी का मोबाइल नंबर लेना था इन्होंने, वो ले के चल पड़े हैं। आज अपनी वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा फोन बता दूँ कि इस वक्त जो है आप असर की नमाज़ हो चुकी है। असर की नमाज़ के बाद लोगों को कोशिश होती है देहातों में कि जो उनके अपने माल मवेशी हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी उन्होंने अपने घर में रखी हुई है, उसकी वो चारे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, उनको पानी शानी और फिर उनको धोने का इंतजाम थोड़ा बहुत। ये जी सरदार कौड़े खान ट्रस्ट है, ये सरदार कौड़े खान
पाकिस्तान में इससे बड़ा ट्रस्ट नहीं होगा तालीमी हवाले से। 700 मुरबा भाई मुंह से कह देना आसान है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ये इनकी वर्थ थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी तो इन्होंने ये ट्रस्ट के नाम वक्फ कर दी थी 700 मुरबा। इससे कुछ बढ़ेंगे 20-30-40 मुरबे कम नहीं होंगे, तो वो ट्रस्ट अभी तक चल रहा है जी। उस ट्रस्ट के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ वो स्कूल्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक उसकी ब्रांच ये भी है। और ये बड़ा तालीमी जो तालीमी तालीम के हवाले से जो महकमे तालीम में जो लोग हैं ख़ास तौर पर जो के, तो तालीमी हवाले से मैं आपको बता रहा था कि जो इंतज़ामी मामलात को देखते हैं जो हजरात, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको जानते हैं, इस सरदार कोड़े खान ट्रस्ट को। ये जी एरिया शुरू हो गया देहाती एरिया, आप देख रहे होंगे बैंगन काश्त किया हुआ जी। तो चूँकि करप्शन हर जगह पर मौजूद है तो ये ट्रस्ट भी इसे महफूज नहीं है। अक्सर बेशतर इसके हवाले से करप्शन की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। तो जी हम बेसिकली जा रहे हैं वही कि जो लोग हम अपने एक अजीज़ के घर जा रहे हैं, तो ये टाइम अब असर की नमाज पढ़ के वो घास वगैरह काट के और उसका चारा बना के तो अपने उन्होंने घर में माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके रिस्क में भरकर डाले, को 3-4 गायें रखी हुई हैं। ये जी मैं मेरी लेफ्ट साइड पे गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में ख़वातीन कोटो तो, और आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे किप्स कॉलेज कोटदू में, ये न्यू एंट्री है इनकी किप्स कॉलेज की। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि तालीमी हवाले से कोटदू बहुत आगे जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी सेहत के हवाले से बहुत काम होना बाकी है। तो ये देखें वही नेचर, गंदम की फसल माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन तैयार है। ये छोटा सा एक शादी हॉल, खाने का टाइम हो गया, मास्टर साहब पता भी खाना खा के चलते हैं यार, खाना तैयार है तकसीम हो रहा है। लो जी आफ्ताब भाई ने जो है ना मरवा दिया आज, तो वापसी पे यहाँ पर उनका अपना नहीं पूरा होगा। तो ये देखें ग्रीनरी देखें, ये खेत तैयार हो गया, फसल यहाँ से काट ली गई है और ये गंदम की फसल माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। 15-20 दिन में इंशाल्लाह इसको इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मज़हब के बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इस दीन इस्लाम को, नमाज रोज़े के पाबंद हैं लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा। ये छोटी सी सोसाइटी है रोशन टाउन के नाम से, जिसका फटा ये पड़ गया था कि शायद इसको एनओसी नहीं मिला, तो उन्होंने बगैर एनओसी के इसके प्लॉटिंग कर दिया। शायद मेरा ख्याल है कि ये बहन है। ये जी ये आप देख रहे होंगे कि ये घास काट रहे हैं बच्चे को, देखिए ये देखिए घास काट रहे हैं। जी हाँ नाल ही कटे ने बैठे।
ये देखें जी, ये बच्चा घास काट रहा है अपने जानवरों के लिए। अच्छा रात्रि हेट के दू है ना, और तरीका कितना पड़ता रहेगा ये जी। आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई आ गए जी घास काटने जानवरों के लिए। ये बच्चा पहले से काट रहा था तो इनका दिल कर गया जी कि आज मैं खुद काटता हूँ। बच्चे ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की हुई है पहले से ही। कितनी डंगर हैं माशाल्लाह, क्या है माशाल्लाह। चलो ये आफ्ताब भाई आपका काम ख़त्म हो गया, अब बच्चे को काम करने दें। ये देखें जी, ये बच्चे ने घास काट के रखा हुआ पहले तो बारह। क्या प्रोग्राम है उनका? कितना ही है? इसका है 22 करोड़। काट पड़ी है। रेट से लगे? रेट लगता तो खड़े ही था, उन्होंने क्वालिटी देख के नहीं देने सही है बोला। आगे काम करते क्या ठीक है? कैसा क्या प्रोग्राम कर रहे हैं ये? कितना प्रोग्राम? सारा कुछ चैनल है क्या? YouTube। अच्छा। आज वो प्रोग्राम है कि भाई घा दा टोका तो चलो अपना बस सेब दिखा दे। अच्छा। मोबाइल है पे टच है? अच्छा ना तो काम दिखाऊंगा। अच्छा वो देखे माशाल्लाह फसल सुनहरी हो चुकी है गंदम की। इसकी शुरू हो जाए आजकल में। Thank you.
ये जी वो जो मैंने आपको एंड वाली फसल दिखाई है वो सारा रकबा और ये माशाल्लाह ये सारा ये आम के दरख्त भी इसमें है, ये इन लोगों ने घास भी उगाया हुआ है अपने माल मवेशियों के लिए। ये छाँव में आ रहा था, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है पहले। ये देखें जी आम के दरख्त फल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले जी। ये देखें ये आपको छोटे छोटे ये देखें, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा नज़दीक किया ताकि आप लोग देख सकें। ये माशाल्लाह इनका ये भी फलदार दरख्त काफ़ी ज़्यादा है। सब्ज़ा देखें यार माशाल्लाह कितना ग्रीनरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अरे ये अमरूद का दरख्त भी लगाया हुआ जी, ये अमरूद का दरख्त है, ये खजूर, ये देखें शीशम, ये सारे आम के दरख्त हैं माशाल्लाह। ये फसल देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दे, फसल तैयार है तकरीबन। ये वो जहाँ से फसल शुरू हो रही है और ये सारा एरिया इनका अपना ही है माशाल्लाह। टाइम थी बैठे ये फसल भी इन्हीं लोगों की है। कौन है, है? ये देखें ये सारा एरिया माशाल्लाह वो वहाँ तक जहाँ पर वो आपको परले दरख्त नज़र आ रहे होंगे ये सारा एरिया इनका। ये इधर कुछ खवातीन काम कर रही हैं लेकिन मैं दूर से ही थोड़ा सा दिखाता हूँ, वो जहाँ पर फसल नज़र आ रही है वहाँ तक इनका अपना एरिया माशाल्लाह। ये सारा यार क्या पुरसकून जगह, ठंडक का एहसास ज़बरदस्त है भाई ज़बरदस्त, कसम से मुझे तो ऐसी जगहों पे आके बड़ा मज़ा आता है। और आप मेरे चैनल पे देखेंगे मेरी 20-25 मिनट आधा घंटा वीडियो बग़ैर किसी किस्म की एडिटिंग की मैं इसको डाल देता हूँ, बग़ैर किसी बनाव सिंगार के किसी फिल्टर के आप मेरी वीडियोस देख ही रहे होंगे, जो भी है नेचुरल मैं दिखा रहा हूँ, किसी किस्म का उसमें वो मिसाला वगैरह किसी किस्म का नहीं डाला जा रहा, जो है वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको पसंद कर रहे होंगे। चैनल वाले तो सॉरी यूट्यूब वाले तो हमें कह रहे हैं कि आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपका चैनल बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ये आप भाइयों की मोहब्बत की वजह से ही ये मुमकिन है, वरना यार हम कहाँ तो ये काम कहाँ, हमें तो पता ही नहीं है इसके अलिफ बे का। मैं तो पैशन था जी यूट्यूब पे चैनल बनाना है, मशरे होते होते एंड पे यही तय हुआ जी कि जो होगा जैसे होगा वैसे ही दिखाया जाएगा, किसी किस्म की काट छांट ये किस्म का आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, जिस तरह लाइव में कोई वो नहीं हो सकती इंटरप्शन नहीं होती, इसी तरह इसमें भी कोई इंटरप्शन नहीं है, जो चीज़ जैसे है मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। पूछो चौकी दे रहे घा कपड़ को ऊँ को वो तो ऊँदा कैमरा आई था ये नेचर नेचर देखें नेचर देखें जी। अफ्ताब भाई बंद करो बंद करो इसको बंद करो, ख्याल भी आऊँ
कितना पड़ गया तक 15 मिनट